अल्लाह 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 अल्लाह। मैं ज़ियारत के लिए गया था मीना अरफात देखने के लिए, तो मैंने शैतान की दीवार पे अपना नाम लिखा। अच्छी बात है, पहचान लेगा ना तुम्हें कि मेरा दोस्त आया था मेरे पास। बस बेवकूफ़ी की कोई इंतहा है। काबे पे भी नाम लिख रहे हैं, शैतान की दीवार पे भी नाम लिख रहे हैं, गारे सौल पे भी नाम लिख रहे हैं, गारे हिरा पे भी नाम। इनका क्या इलाज है मासी वायस के गल्ला ही जाए। एक आदमी ने किसी पर जुल्म किया, उसने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ कर दिया, फिर जुल्म करता तो फिर अल्लाह बदला लेंगे? जालिम को तो अल्लाह बदला ले सकते हैं ना। मेरी बच्ची का 11वीं क्लास का नतीजा है, अल्लाह कामयाब फरमाए, अच्छा नतीजा मिले। ओशर देने के लिए मजदूरी शदूरी कोई नहीं निकालनी होती, जो भी जमीन से पैदा हो उसका 10वां हिस्सा देना है। मदीने से एहराम बांध के मक्के आ रहे थे, रास्ते में हैद आ गया, मक्के में अपने कमरे में ठहरे रहे, एहराम उतार दिया, वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी, नज़दीक बिल्कुल न जाएं वरना दम भी देनी होगी और उम्रा भी कज़ा करना हो। बाकी औरत का कोई एहराम नहीं होता कि उसे उतार दिए, वो बैठी रहें और फ्लाइट जो है 5-7 दिन के लिए आगे कर लें, उसके बाद जब पाक हो जाए सादे पानी से गुसल करें और जाके उम्रा करें। कहते जी जो कुरान में आता है, यानी मकसद ये है कि अल्लाह चाहे तो छोटी चीज़ की मिसाल भी बयान कर देते हैं, जैसे कुरान ने मक्खी की मिसाल भी दी है, मच्छर की मिसाल भी दी है, अनकबूत की भी दी, तो इसमें उसकी कोई शान में कमी तो नहीं आती। मछली वाले का किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, एक आदमी अपने हाथ से शहवत को मिटाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह भी है और उसकी अपनी बर्बादी भी है कि उसकी कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि क़यामत के दिन उसके हाथों को ऐसे होगा जैसे हामला औरत होती है, ऐसे हाथों को हमल हो, ताकि लोगों को पता लगे कि ये वो ज़रीन आदमी है। बाकी आपने ठीक कहा है, इस काम से तौबा करना और बचना बड़ा मुश्किल है। उसका हल ये है कि तुम सिर्फ तौबा ना करो बल्कि अल्लाह वालों की सोबत में रहो, जहाँ रहते हो वहाँ ना रहो। और उलमा ने यह भी लिखा है कि तुम जब हमाम में जाओ तो दरवाजे को कुंडी मत लगाओ, ताकि तुम्हें खौफ रहे कि भी कोई आ जाएगा, तो उस वजह से भी तुम कुछ बचोगे इस गुनाह से। बारह इलाज यही है, तौबा करो सच्चे दिल से, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगो और सोबत सालिहीन इख्तियार करो। हज में दोनों मियाँ बीवी आए, आते ही दोनों उमरा किया, मदीने शरीफ गए, वापसी पर मैंने उमरा किया, बीवी उमरा ना कर सके। क्यों नहीं कर सके? बीमार थी, मरीज थी, माजूर थी, ठीक है वरना दम पड़ेगा। बचने का हाल यह है कि ताइफ से उसको उमरा करवा दो। पाकिस्तान से 18 को आए हैं, तवाफ़ शुरू किया, मगरब वक्त तवाफ़ पूरा हुआ, मेरे बाद तबीयत ख़राब हो गई, उनको होटल ले गए, सफ़ा मरवा का तवाफ़ नहीं किया, पता नहीं था। तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा जाए जाना होता है, अगले दिन पता चला। फिर हमने दोबारा होटल से इहराम बांधा, मस्जिद ऐशा का पता नहीं था, माशाल्लाह सारा पता नहीं था, तो मेरे क्या करने आए हो आप, उम्रा भी करो दम भी अदा करो। बाहर जो लंगर चलता है खा सकते हैं, गरीब हो तो खा सकते हैं, अमीर हो तो लंगर चलाओ ना के खाओ। बाहर दरवाजे पर चप्पल पड़ी होती वो भी ना उठाओ, अपनी कपड़े में लपेट के साथ रखो। मस्जिद जिराना से इराम बांध के उम्रा कर लिया है, कर सकते हैं। मस्जिद आयशा से उमरा करना चाहिए, एहराम धोने की कोई ज़रूरत नहीं, उम्रे करने से एहराम पलीद नहीं हो जाता।
खाना काबे की आखिरी तामीर जो है ना जी, वो हज्जाज के ज़माने में हुई थी, फिर उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट भी करती रही। मदीने मुनव्वरा में भी म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है मदीने मुनव्वरा में। वादी जिन जो है वहाँ चले जाना, कोई जिन मिले तो उससे हाल हवाल पूछ ले, नमाएं तो कभी नहीं गया। अगर कोई सैयद और पीर पाबंद शरीयत हो, अकीदा भी ठीक हो, उसकी बैयत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी वालदा ने उम्रे के लिए पासपोर्ट में फौत हो गई, अब आप उसकी उम्रा कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं। दुनिया की बीवी जो है, जब हम जन्नत में जाएंगे तो ये भी मिलेगी इंशाअल्लाह। हवाई जहाज वाले जमजम की मकदार कम लेते हैं, बहरहाल ये आपका काम है, मौलवी का काम तो नहीं है। आजकल खाने काबे की छत पे कोई सफेद सा परंदा है जो बड़ा है, दिखाते हैं उसको, फरिश्ता जाहिर करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ना परिंदा है ना फरिश्ता है, वो तो एक जगह बनी हुई है, सफेद रखी हुई है, जब चढ़ते हैं तो उससे गुजर जाते हैं। मस्जिद ऐशा दे इहराम बांधा, खवातीन भी थी, सफा मरवा के बाद बाल नहीं काटे, इहराम उतार के कपड़े पहन ली, बिल्कुल दम हो गई, बाल भी काटें और दम भी दें। मेरा भाई अरसा 6 साल से गुम है, अल्लाह करे खैरियत से आ जाए। हमें कुछ मालूम हुआ है कि हमारे भाई को किसी ने कत्ल किया है, आप बदला ना लें, बदला अल्लाह पे छोड़ दें, कानूनी कार्रवाई करें। मीज़ान बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे बेटे का नाम अली शेर हैदरी है, उसको झटके की बीमारी है, बहरहाल नाम की वजह से तो कुछ नहीं होता, नाम बदलने से क्या। अली शेर हैदरी खुद, उसको तो कोई झटके की बीमारी नहीं थी, तुम्हें नाम रखने दे हो गई, और सैकड़ों अली शेर हैदरी होंगे। ये बीमारियां अल्लाह माफ़ करे, जमदम पिलाएं, अल्लाह से दुआ करें। नफली दवा में वजू टूट जाए, छोड़ दें वजू करके दोबारा करें, और जनाजे की नमाज पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। दम का माने यही होता है कि एक बकरा बकरी दुम्बा जो भी मिले, नस्वार से वजू नहीं टूटता, लेकिन मना है कि मुंह गंदा हो जाता है, और गंदे मुंह के साथ मस्जिद में आना मना है। तबलीग आम है या उमरा आम है? तबलीग आम है, दीन सीखोगे तो उमरा करोगे। जब दीन का पता ही नहीं होगा, यही होगा ना, आ गए एहराम बांधा था, फिर खोल दिया, फिर खोल दिया, फिर बांध दिया, फिर खोल दिया, तो अगर तबलीग का क्या मालूम के साथ, तो गलती कभी ना करना।